नमस्कार जीटीवी न्यूज। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज बुलंदखंड एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिसंबर माह में बुलंदखंड एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा कर ट्रैफिक चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुलंदखंड एक्सप्रेसवे से बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन से निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जाए, निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुल पुलिया निर्माण कार्यों पर मेन पावर बढ़ाकर तेजी से कार्य कराए। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं, इसका लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा और यात्रा भी सुगम हो जाएगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि बुलंदखंड एक्सप्रेसवे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार की मंशा के अनुसार दिसंबर माह में शुरू कर दिया जाएगा। बुलंदखंड के साथ कई राज्यों के व्यक्तियों को इस एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस जालौन से हरिओम बुधौलिया की एक खास रिपोर्ट। जालौना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है, समीक्षा बैठक भी की है, क्या कुछ दिए? देखिए, ये जो पैकेज है, पैकेज 4 जो जालौन जिले में मुख्यतः है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि बेतवा नदी पर आपने जो पुल देखा पूरा बनकर तैयार हो गया है। 18 महीने में किसी भी देश में किसी भी पुल में इतने बड़े 850 मीटर का पुल इतनी जल्दी बन जाना, ये एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। गावर कंपनी जो है, इन्होंने अपना 89% काम भी पूरा कर लिया है, तो काफ़ी तेजी से काम किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी हमारी एक्सप्रेसवे का ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम मेन कैरेजवे कहते हैं, उसको जो है हम लोग शुरू कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यही हमारा चैलेंज है। हमारे कोई भी लैंड इशू नहीं है, जिला प्रशासन से सभी लैंड इशूज़ का रिजॉल्व कर लिया गया है, पुलिस का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है और हम अपनी कंपनी जो कर रही हैं उनको पूरा सहयोग दे रही हैं कि इस काम को पूरा टाइम से कर लें। इसके अलावा जो है क्वालिटी में भी हम लोग बहुत मजबूती से काम करते हैं और 0% टॉलरेंस पर रहते हैं, यानी कहीं भी क्वालिटी में कोई कमी न रहे, ये इंश्योर करते हैं। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड से एक्सप्रेसवे के बनने से जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि चित्रकूट से दिल्ली आदमी 6 घंटे में पहुंच जाए, तो ये एक हम लोग का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अचीव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि हम लोग जाकर मौके पर रिव्यू करें। कल मुख्यमंत्री जी खुद भी रिव्यू करेंगे शाम को 6 बजे। तो ये अब इसका प्रयास यही है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर मैन पावर लगाकर इस एक्सप्रेसवे को टाइम से पहले पूरा कर। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ी सौगात मिल रही है, तो आने वाले समय में लोगों को, यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, कोई भी सड़क के बनने से एक तो आने जाने की वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, जो इसके किनारे इंडस्ट्रीज आती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। मैंने अभी देखा एरियल सर्वे में बहुत सारी इस जगह में सब्जी भी उगाना लोग शुरू करेंगे, तो सब्जी भी जो है अगर दिल्ली तक 4 से 6 घंटे 8 घंटे में पहुंच जाएगी तो बड़े शहरों तक पहुंच जाएगी, तो उसका भी बहुत फायदा मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन पहलू है वो सड़क है, और वो भी सड़क अगर एक्सप्रेसवे की क्वालिटी का है तो इससे तो लोगों को फायदा मिलेगा। और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इन सब जिलों के लिए जो है एक बून होगा कि एक्सप्रेसवे के किनारे रहते हुए इनके जो है क्षेत्रों का विकास संभव होगा। और दिल्ली से जब यहाँ आने में दिक्कत नहीं होगी, लखनऊ से यहाँ आने में दिक्कत नहीं होगी, तो निश्चित इसका विकास तेजी से होगा।